everyone, welcome to your class. Today we are doing with the new chapter from your book Literary Journeys, an English Reader Pre-Primer Book by Brain Root Series. So is chapter ke andar hum padhne ja rahe hain three letter words of vowel sound I. Kya padhne ja rahe hain bachcho hum? Three letter words padhne ja rahe hain vowel sound I ki. ठीक है, सबको समझ आता है? चलिए, वेरी गुड. नाउ सबसे पहले हमें पढ़ना है आई बी वर्ड्स. आई बी से हमें कौन सी साउंड मिलती है? इब. सो आई प्लस बी को अगर आप मर्ज कर देंगे तो इब बन जाएगा. इब वर्ड्स पढ़ते हैं. बी आई बी बिब, एन आई बी निब, आर आई बी रिब, जे आई बी जिब. तो देखो लास्ट में आपको इब की साउंड आ रही है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आई प्लस डी इड वर्ड्स, जिसके आपको लास्ट में इड की साउंड आए. एच आई डी हिड, के आई डी किड, एल आई डी लेड, आर आई डी रिड. ठीक है, तो इसमें कौन सी साउंड मिली बच्चों हमें? हमें मिली इसके अंदर इड की, आई डी साउंड. नेक्स्ट हमारे पास है इग, आई जी साउंड. आई प्लस जी को अगर आप ज्वाइन करके लिखेंगे तो आपको इग मिलेगा, राइट? तो चलिए इसके वर्ड्स पढ़ेंगे. बी आई जी बिग, डी आई जी डिग, एफ आई जी फिग, W I G wig. Very good. Now next we will see I M words. I plus M बन जाता है im. D I M dim, T I M tim, R I M rim, V I M whim. सबको समझ आता है? बिल्कुल आता होगा. चलिए, तो ये हमारे थे आई एम वर्ड्स, जिसके लास्ट में हमें आई एम इम की साउंड है. चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे आई प्लस एन इन वर्ड्स, जिसके लास्ट में आपको क्या साउंड आएगी? इन की साउंड आएगी. बी आई एन बिन, पी आई एन पिन, टी आई एन टिन, डब्ल्यू आई एन विन. ठीक है, तो ये हमारे कौन से वर्ड्स हैं? आई एन वर्ड्स. अब हम पढ़ेंगे आई टी वर्ड्स. आई टी कैसे बना बच्चों? आई प्लस टी, तो क्या बना? इट, जिसके लास्ट में आपको ये इट की साउंड आएगी. बिट, पी आई टी पिट, के आई टी किट, एच आई टी हिट. सबको समझ आ गया किस तरीके से मैंने आई टी वर्ड्स आपको बताए? आगे देखेंगे. आगे हमारे पास है आई पी वर्ड्स, जिसके लास्ट में क्या आता है? जिसके लास्ट में आई पी आता है. कैसे बना आई पी? आई प्लस पी इप, जिसके लास्ट में आपको इप की साउंड आएगी. ठीक है, करेंगे इसको अब हम रीड. डी आई पी डिप, एल आई पी लिप, एस आई पी सिप, Z I P zip. सबको समझ आया? D I P dip, L I P lip, S I P sip, Z I P zip. सबको समझ आ गया होगा. आगे देखेंगे I plus L L, क्या बना बच्चों? Ill, तो जिसके लास्ट में आपको ये ill की साउंड आएगी ना, वो हमारे ill words कहलाएंगे. First is B I double L bill, K I double L kill, H I double L hill, P I double L pill. ठीक है, जिसके लास्ट में आपको ill साउंड आएगी तो वो क्या होगा? वो कहलाएंगे ill words. Now we have to recognize and write the names. First is bib. So B I B bib. Right. Next is, very good, K I D kid. Next is W I G
विग एंड लास्ट इज विम वी आई एम विम. सबको समझ आ गए ये वर्ड्स. आगे देखेंगे ऑड वन आउट. किड कैन पेन टेन. सबसे ऑड वाला कौन सा है? ये है. तो हम लिख देंगे के आई डी किड. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे बच्चों वैन मैन रैन डिग. सबसे अलग कौन सा है? डिग है ना. तो हम डी आई जी डिग को लिख देंगे क्योंकि वो सबसे अलग है. नेक्स्ट इज वेल हिल टेल सेल. तो ये होगा हिल क्योंकि और सारे क्या है बच्चों? ई साउंड के वर्ड्स हैं और सिर्फ हिल ही है जो आई साउंड का है. कॉल मॉल हिम फॉल. तो इसमें सबसे अलग कौन सा है? एच आई एम हिम सबसे अलग है. ठीक है. नाउ रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स एंड सर्कल द रेड करेक्ट वर्ड्स. फर्स्ट इज द पिक्चर ऑफ अ बिन और अ फिन. बताइए ये एक बिन है या फिन है? वेरी गुड. ये एक बिन है तो हमने इसको सर्कल कर दिया. नेक्स्ट हिट की पिक्चर है या पिट की? पिट होता है गड्ढा और हिट मतलब शॉट मारना. तो इसमें ये बेबी क्या कर रहा है? ये शॉट ही तो मार रहा है तो हम इसके अंदर हिट को सर्कल करेंगे. लिप और जिप ये क्या है? ये एक जिप है. ठीक है. चलिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड. विल मीट यू इन द नेक्स्ट. नाउ टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.